दोस्तों 15,000 के नीचे आपको एक अच्छा फोन लेना है, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। जी हाँ, मैं बताने वाला हूँ सबसे अच्छे 5 स्मार्टफोन 15,000 के नीचे। और दोस्तों याद रखिए, जब हम ये लिस्ट बनाते हैं, रैंकिंग करते हैं, बहुत ध्यान से करते हैं, बहुत रिसर्च करके करते हैं, बहुत ज्यादा सोच के आप तक ये लिस्ट पहुंचाते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया रखा हुआ है हमने। डिस्प्ले 6.5 इंच FHD प्लस डिस्प्ले होना चाहिए, कम से कम 4000 मिली एम्पीयर की बैटरी, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, USB टाइप सी, 6GB की रैम होनी चाहिए दोस्तों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब जो बेसिक क्राइटेरियाज है वो इंपॉर्टेंट है। और कैमरा के मामले में 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप कम से कम होना चाहिए। सो दीज आर सर्टन बेसिक क्राइटेरिया। और हाँ दोस्तों, हम परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, परफॉर्मेंस, कैमरा और उसके बाद में बाकी सब, उस बेसिस पे हम ये जो लिस्ट है वो क्रिएट करते हैं। दोस्तों पांचवें नंबर पे आता है Redmi Note 9। यस, इसमें G85 प्रोसेसर है, सिर्फ एक ही फोन है जिसमें 128GB स्टोरेज आता है, बाकी सब जो है वो 64GB है, दिस इज 6GB 128GB। सो परफॉर्मेंस एंड जो स्टोरेज है ये अच्छा है इसमें, प्लस 22.5 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिलता है, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप वगैरह सब कुछ है। प्राइस दोस्तों 14,999 है, इसका मतलब 15,000 के नीचे आता है। और जो भी फोन दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं, सभी के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वैसे दोस्तों चौथे नंबर का फोन बताने से पहले कह दूं कि अगर आपको एक एमोलेड डिस्प्ले का फोन चाहिए तो 6GB वाला नहीं है 15,000 के नीचे। सैमसंग का फोन चाहिए तो आप M21 या फिर M30S के पास देख सकते हो, इसमें आपको एमोलेड स्क्रीन मिलती है, बड़ी बैटरी भी मिलती है। सो बट The थिंग इज दैट 4GB रैम हमारे क्राइटेरिया में फिट नहीं होता है, और इसीलिए इस लिस्ट में वो नहीं है। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि M21 किधर है, M30S किधर है, देयर इज अ रीजन व्हाई इट इज नॉट देयर। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों पोको का M2 Pro। यस, पोको M2 Pro सिर्फ यही फोन है दोस्तों इस लिस्ट में जिसमें ग्लास बिल्ड है, तो मतलब बैक एंड फ्रंट दोनों ही जगह पे आपको ग्लास चाहिए, देन पोको M2 Pro है। इंटरेस्टिंगली दोस्तों 33 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है, लेकिन फोन जो है वो लॉक्ड है, वो सपोर्ट नहीं करता है 33 चार्ज पे। आई थिंक इट सपोर्ट्स ओनली टिल 20 और 25 वॉट तक, बट 33 वॉट का चार्जर आता है। ऑल्सो यही सिर्फ एक फोन है जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर आता है, बाकी सब जो है वो हीलियो है, और इसीलिए हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड की, लेकिन थर्ड एंड सेकेंड दोनों की साथ में ही बात करते हैं। क्यों, ये एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1,000 रुपए का डिफरेंस है। रियलमी 6 एंड रियलमी 6i लिस्ट में रैंकिंग में Realme 6 आता है तीसरे नंबर पे, क्योंकि 1,000 रुपए से ज्यादा है इसकी प्राइस। और अगर डिफरेंस देखा गया दोस्तों 6i और 6 में, तो सिर्फ इतना ही है कि ये 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देता है Realme 6, एंड 6i जो है दोस्तों वो 48 मेगापिक्सल का आपको क्वाड कैमरा सेटअप देता है। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस अपार्ट फ्रॉम चार्जिंग, 20W एंड 30W, मतलब 30W का चार्जिंग आपको 6 में मिलता है एंड 6i में 20W का चार्जिंग। बाकी सब स्पेसिफिकेशन सेम है दोस्तों, 6GB 64GB G90T which is a really good processor, अगर आप अंतुदु स्कोर के पास वगैरह देखोगे तो अच्छा है। बट मेरी लिस्ट में दोस्तों 1,000 रुपए कम होने की वजह से 6i जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, एंड Realme 6 जो है वो आता है तीसरे नंबर पे। दोस्तों नंबर वन पे अनडाउटेडली आता है Realme 7, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, उसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन नहीं देखा है तो जरूर देखिए। G95 प्रोसेसर आता है दोस्तों, विच इज आई थिंक अ वेरी वेरी गुड प्रोसेसर इन दिस प्राइस रेंज, इस प्राइस रेंज में सही में अच्छा है। 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी भी आती है, 30 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिलता है आपको। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा हाईलाइट मेरे हिसाब से है कैमरा ऑल्सो, मतलब परफॉर्मेंस भी है और कैमरा में भी ये अच्छा है। 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, बट दैट 64 मेगापिक्सल इज IMX682 प्रोसेसर सेंसर, नॉट प्रोसेसर, सेंसर, सोनी का सेंसर आता है। सो कैमरा एंड परफॉर्मेंस के मामले में अंडर 15,000 डेफिनेटली Realme 7 कम्स एट नंबर 1। और हां दोस्तों जो भी फोन्स मैंने बताए हुए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो, सभी के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर ये जो वीडियोस होते हैं हमारे अंडर के आपको अच्छे लगते हैं, आपको कुछ फायदा होता है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एंड हिट दैट लाइक बटन। जी हां, उतना तो बनता है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।